everybody more well, welcome to the class well, welcome to rank plus i hope you guys are doing amazingly well so priya mam is back सभी के सामने लेकर ट्राइंगल्स का पार्ट टू आई होप आपने ट्राइंगल्स पार्ट वन अच्छी तरीके से देख लिया है क्योंकि पार्ट वन में हमने डिस्कस किया है थेल्स थ्योरम 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 इज वन ऑफ मोस्ट जो कि आपके डायरेक्टली उसी से आते है, आते हैं हैं बेस्ड तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मेक श्योर दैट यू गाइज आर हैविंग अ पेन एंड अ नोटबुक विद यू रेडी ऑलरेडी ताकि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सोल्व करें मतलब हम बोले तो मैं मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन सोल्व करू मेरे साथ साथ वो क्वेश्चन आप भी सोल्व

ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं आई वुड लव टू रिवर्ट योर मैसेजेस योर कमेंट्स तो चलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है थ्योरम थो, 6.1 हमने ऑलरेडी कवर कर ली है जो कि कहती थी कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की एक लाइन उसके थर्ड साइड से पैरल ड्रॉ कर दे तो बाकी की जो दो साइड्स है उनका रेशियो आपस में प्रपोर्शनल होता है ये हमने थ्योरम ऑलरेडी पढ़ ली थी अब बात करते हैं थ्योरम सिक्स पॉइंट थ्री की वो क्या कहती है दैट इज फॉर दी सिमिलर ट्राइंगल्स तो ये थ्योरम कहती है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और उसके दो कॉरस्पोंडिंग एंगल्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पोंडिंग साइड्स विल बी द सेम क्या कह रहा है अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन 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 द द देयर साइड्स आर इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शन दोस टू विल बी सिमिलर सिमिलर फिर वो दो हमारे सिमिलर हो जाएंगे ये थ्योरम मैं यहाँ पर प्रूफ करके करवा रही हूँ आपको एग्जाम में प्रूफ तो नहीं आएगा बट इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये जो अकेला चैप्टर है ये नाइन मार्क्स का है बिल्कुल सही सुना आप लोग लोगों तो ने पूरे नौ नंबर का चैप्टर है जो आपको बोर्ड 2024 में देखने को मिलेगा तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसका प्रूफ किस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है हमारे पास दो ट्राइंगल है एक ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल डीई क्लियर दो ट्राइंगल है हमारे पास अब आगे बढ़ते हैं इन दिस ट्राइंगल अब ये चीज ऑलरेडी गिवन है कि एंगल ए जो है वो डी के इक्वल है बी जो है वो ई e के इक्वल है और सी जो है वो एफ के इक्वल है दिस इज ऑलरेडी गिवन इन टू द क्वेश्चन नाउ हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया है क्योंकि हमें ए बी सी और डीई एफ e, को कॉन्ग्रुवेंट प्रूव करना है राइट तो अभी यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू विच इज डिवाइडिंग डीई इन टू टू पार्ट एंड पीई वेयर डी इज इक्वल टू ए बी जो डीपी का लेंथ है वो आपका ए बी के इक्वल है सी का जो लेंथ है पी क्यू के इक्वल और ए सी का जो लेंथ है दैट इज डी क्यू के इक्वल ठीक है इतनी बात हो गई क्लियर तो इससे हम बहुत आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रोए हो गया ट्राइंगल पी क्यू के ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोए ट्राइंगल पी क्यू बहुत आराम आराम से हमने इसको प्रूव कर दिया राइट

इक्वल टू ए सी अपन डीपी डी एफ हो गया सेम यहाँ पर लिखा है सिमिलरली आपका दूसरा रेशियो आपस में इक्वल हो गया तो आप कह सकते हो कि हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, आपने इस तरीके से इसको प्रूफ कर दिया अंडरस्टोर अब यही कंसेप्ट हम आगे की वीडियोस में यूज आगे के क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं मेक श्योर एवरी अगर अभी तक आपके पास एक पेन और कॉपी रेडी नहीं है जल्दी से जाओ और एक पेन और कॉपी लेकर आओ टेबल चेयर पर बैठ जाओ साथ में एक पानी का ग्लास वाटर बॉटल रख लो मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो तब तो मज़ा भी आएगा क्योंकि मैथ्स देखने से और सुनने से नहीं होगा जब तक मैथ्स को आप खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मज़ा नहीं आएगा तो इसके लिए क्या करना है भाई जल्दी से जाओ एक रफ कॉपी रफ पे, पेन जिसमें भी प्रैक्टिस नोटबुक आप प्रैक्टिस करते हो वो कॉपी लेकर आ जाओ चलो अभी यहाँ पर एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एनसीआरटी का ही क्वेश्चन है बट रिपीट हुआ है काफी बार एग्जाम में काफी बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन क्या कहता है ऑब्जर्व करो इस दोनों फिगर को और आपको फाइंड करना है एंगल पी आपको एंगल पी फाइंड आउट करना है तो मैं देख रही हूं पर कि ये जो दो ट्राइंगल्स गिवन है अगर मैं का रेशियो उठाऊं तो ये मुझे ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है लेकिन मुझे कौन सी साइड उठानी है वो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो ध्यान से देखो अगर मैं बोलू सबसे पहले तो इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी बायल समी मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बीवल टू वन एटी डिग्री इसमें तो कोई डाउट कोई शक नहीं है बस angle A हमारे पास कितना गेवन है एट्टी प्लस सिक्सटी प्लस एंगल सी हमें नहीं पता इक्वल टू वन एट्टी डिग्री तो एंगल सी कितना माइनस फोर्टी तो आपका एंगल सी जो हो गया दैट इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री

तो अगर वो इक्वल है तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है अगर दोनों ट्राइंगल्स को मैंने आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे ही हो गया क्वेश्चन सॉल्व बस इतना ही सोचना है इतना ही ध्यान रखना है तो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे वापस ए बी अपॉन ए बी अपॉन आर क्यू इट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी अपॉन वॉट दैट दिस is PQ, विच इज इक्वल टू अगर मैं ए बी अपॉन आर क्यू की बात करूं दैट इज थ्री पॉइंट एट अपॉन सेवन पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू ए सी इज थ्री रूट थ्री अपॉन सिक्स रूट थ्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन दैट इज सिक्स अपॉन टैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू मतलब रेशियो मेरा सेम आ रहा है सबका राइट तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ट्राइंगल अगर मैं ए बी सी की बात करती हूँ दैट विल बी सॉरी इट विल बी सिमिलर लेट मी रेज इट ओके okay, इरेज़र कहां गई हमारी ये इरेजर चलो अभी आप बस जल्दी से मेरे को कमेंट में बता दो क्या होगा ट्रायंगल का नाम तो ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू अब देखो नाम कैसे लग कर रहा है ट्रायंगल का ट्रायंगल की नेमिंग कैसे करनी है ये सीखना बहुत जरूरी है तो अभी यहाँ पर देखो ट्रायंगल ए बी सी ए बी के अपॉन में क्या है आर क्यू तो एबी के बाद यहां पर आ जाएगा आर क्यू ट्राइंगल R, Q. अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या है एसी अपॉन आरपी है ए सी अपॉन आर पी एसी अपॉन आर पी और आपका जो बीसी है उसके नीचे पी क्यू है तो बीसी के पी क्यू आपका क्यू पी या पी क्यू आ गया तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए सॉरी सिमिलर हो गए ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए तो जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तब हमें पता है कि जो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं दैट आर आल्सो इक्वल और right जो आपके दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हुए हैं उसके कोरोस्पॉ एंगल्स भी इक्वल होंगे तो हमें फाइंड आउट क्या करना था हमें फाइंड करना था पी तो पी के इक्वल कौन सा होगा जल्दी से बता दो पी के इक्वल होगा सी एज पर ट्राइंगल्स रिटर्न ओवर है तो हम क्या बोल देंगे एंगल पी विल इक्वल टू एंगल सी और सी तो हमने यहां पर ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है तो बस आपको यहाँ पर लिखना है कि एंगल सी कितना था आपका यहाँ पर हमने जो निकाला था फोर्टी डिग्री सो एंगल पी विल बी एंगलो इक्वल टू फोर्टी डिग्री एंड दिस इज योर आंसर दैट्स इट दिस इज योर आंसर दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया है. कोई दिक्कत है कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बिलो चलो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ चुका है

और ए एम पी ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल्स राइट एंगल एट बी एंड हमें ये चीज़ दिख रही है फिगर में ऑलरेडी कि बी पे राइट एंगल है और एम पे राइट एंगल है कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ते हैं रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी अभी हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी ट्रिपल ए ए ए हो एस 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 हो तो वही क्राइटेरिया हैं एंड यू हैव टू प्रूव कि ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो चलो देखते हैं मुझे यहाँ पर क्या चीज दिख रही है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए एम पी में अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी की बात करूं तो पहली बात तो ये वाला ट्राइंगल था ए बी सी तो एंगल ए और ए एम पी तो अगर मैं बोलू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए आपका दूसरा ट्रेंगल क्या है ए एम पी तो अगर मैं बोल दैट इज इक्वल टू एंगल पी एम वाई कॉमन एंगल है कोई कंफ्यूजन नहीं कोई डाउट नहीं अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक ये 90 गिवन है ऑलरेडी और एक ये 90 गिवन है ऑलरेडी हमें पता है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा दिस इज ऑलरेडी गिवन ईच 90 डिग्री बाय ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल थे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी ये चीज यहां पर क्या हो गई हेंस प्रूफ ये चीज हमने पर प्रूव कर दी अब आगे बढ़ते हैं इज द नेक्स्ट थिंग अब ये कह रहा सी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी अब जरा ढूंढते हैं सी ए अपॉन पी क्यू कहाँ है सी ए अपॉन पी क्यू सी ए अपॉन जस्ट अ मिनट सी ए अपॉन ये होगा पी ए सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी बीसी अपॉन एम पी तो ये तो आपका यही से हो रहा है सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि हेंस बोथ हेंगल आर सिमिलर तो कोरोस्पोिंग साइड जो होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी राइट right, एवरीबॉडी तो आप इसको यहां से ऑलरेडी प्रूव कर सकते हो जैसे सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एमपी आई होप इतना क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं है कोई डाउट नहीं है इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया वंडरफुल चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका ओके okay, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन

एक ये D 90 डिग्री और एक ये F 90 डिग्री है तो आपके ये दोनों भी आपस में क्या हो गए ये भी आपके आपस में इक्वल हो गए तो बाय ए ए क्राइटेरिया रूल ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ तो ट्राई बाय योर मैंने क्वेश्चन समझा दिया है टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मैं साइड हो जाती हूँ

क्या लिया जाए क्या लिया जाए हाइलाइटर है हमारे पास हाइलाइटर का भी कलर हम चेंज कर सकते हैं ना ओके ओके लेट लेट मी मी टेक रेड अभी देखो ट्राइंगल ए ई पी कह रहा है -E है ए ई पी पे ढूंढो ये ए ई पी ओके ये हाईलाइटर भी बड़ा डार्क कलर का है बट कोई बात नहीं देखो एक तो मेरे पास ये ट्राइंगल है ट्राइंगल पी ट्राइंगल समझने की कोशिश करना मेरी ड्राइंग बहुत खराब है और कलरिंग भी तो उस पर मत जाना देखो एक तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल एईपी e, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है सीडीपी सीडीपी का ये क्यूट सा छोटा सा ट्रायंगल जो है अच्छा इस पे मेरा पेन भी बोल रहा है इतना छोटा सा ट्रायंगल है क्या है? इस पे कलर करें कोई बात नहीं पेन चूज कर लेते हैं देखो अब कलर हो गया ओके जस्ट अ मिनट ओके एक हमारे पास ये छोटा सा ट्राइंगल है ठीक है इन दो ट्राइंगल में हमें दो चीजें चाहिए जिससे कि हम ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर ले तो एक तो मेरे को 90 -90 दिख रहा है अगर वही किया मैंने यहाँ पर ये यह हमारा ईच नाइनटी हो गया अब दूसरी चीज क्या होगी ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है दोनों के दोनों तो बस यहां पर लिख देना है एंगल पी जस्ट सेकेंड जैसे आप लोगों का होता है ना पेन लिखते लिखते काम नहीं करता ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है पेन लिखते लिखते काम ही नहीं कर रहा देखो आप काम कर गया एंगल पी माई बैड चलो इरेज कर देते हैं एंगल पी विल बी अगेन इक्वल टू एंगल पी बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो बाय ए ए वी कैन से एंगल एंगल क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइ एंगल एज सिमिलर टू ट्राइ एंगल वॉट सी डी ये चीज मैंने हैंज प्रूफ कर दी ठीक है एक पार्ट हमारा हैंस प्रूफ हो गया क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई चलो इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं अगर हो जाए तो हो गया चलिए ए बी डी ए बी डी मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ठीक है और सी बी ई सी बी ई ये वाला ट्राइंगल तो अगेन मुझे यहाँ पर दो चीजें मिल गई एक तो देखो ईच 90 डिग्री का एंगल मिल गया और दूसरा क्या मिला मुझे एंगल बी जो है वो आपस में कॉमन है तो यहाँ पर भी ये भी मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया ये हुआ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया थर्ड पार्ट पर आते एंड ए डी बी एपी ये वाला ट्राइंगल और कौन सा ट्राइंगल कह रहा है ए डी बी ए डी बी ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल तो इसमें भी मुझे दिख रहा है एक ये 90 डिग्री हो गया एक ये 90 डिग्री हो गया और एंगल ए आपस में कॉमन हो गया तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया बहुत ही आसान तरीके से ये भी बहुत आसान तरीके से प्रूफ हो गया चलो बहुत बढ़िया अब नेक्स्ट है पी डी सी इज सिमिलर टू बीई सी पी डी सी का है मेरा पी डीसी ये छोटा वाला ट्राइंगल और बीई सी बीई सी का है ये बड़ा वाला ट्राइंगल चलो लेट मी इरेज दिस हां जी अभी ध्यान से देखो ये भी बहुत आसान तरीके से होने वाला है ट्राइंगल कौन सा है पीडीसी एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल है और एक है बीईसी बीईसी e, e, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है तो अगेन मेरे यहाँ पर ईच ईच एंगल 90 90 डिग्री मिल गया डी और सी और ये जो एंगल सी है ये आपस में आपका कॉमन आ गया तो हमने प्रूव कर दिया कि ये भी हमारा जो दो आपस में ट्राइंगल है दीज टू ट्राइंगल्स आर अगेन सिमिलर चलिए इसी के साथ भरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ आई होप ये सभी को समझ में आ गया है दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रही हूं क्या करना है क्वेश्चन में कैसे होगा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ सिक्स मीटर कास्ट अ ऑफ फोर मीटर लॉन्ग एक वर्टिकल पोल है okay. एक वर्टिकल पोल है जो कि कितना है सिक्स मीटर का है जो कास्ट करता है शेडो फोर मीटर लॉन्ग ठीक है फोर मीटर लॉन्ग कास्ट करता है शेडो और अ ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ ट्वेंटी एट मीटर एक टावर है जो ट्वेंटी एट मीटर की शेडो कास्ट करता है आपको बताना है उस टावर की हाइट क्या होगी इट्स वेरी इजी अगेन यू हैव टू यूज द सिमिलैरिटी का रूल्स होता है कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आपका सेम होता है बस वो यूज करना और सॉल्व करना इस क्वेश्चन को मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इस टावर का हाइट क्या होगा ठीक है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जरो अभी तक नहीं लिया लेट मी गिव अ पोस्ट